बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के एच कंप्यूटर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक हमारा जो है वो पावर ऑन के ऊपर है और इस लैपटॉप के अंदर इशू जो है वो पावर ऑन का है। जब हम अडाप्टर को प्लग इन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता, तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसको लगा कर, ये अडाप्टर आप देख सकते हैं इसकी पावर ऑन है और ये अडाप्टर हम इसके साथ प्लग इन करेंगे और प्लग इन करके इसको पावर ऑन करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। दोस्तों ये देखें, पावर ऑन करने के बावजूद लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पावर इनपुट क्यों नहीं ले रहा। दोस्तों इससे पहले हमने इसको डायग्नोस कर लिया था, लेकिन वीडियो में आपको दिखाने के लिए इसका फॉल्ट और डायग्नोस करके इसका सोल्यूशन भी आपको ये दिखा रहे हैं। शॉर्टकट वीडियो के लिए हमने ये पहले से काफ़ी सारे स्क्रूज के खोल लिए थे ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना बने और आपको आसानी से इसका फॉल्ट भी समझ में आ जाए और जो सोल्यूशन हमने इसका निकाला है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों इसका जो सी पैनल है हमने उसको उतारना है, उससे पहले आपने जो कीबोर्ड है इसको रिमूव करना है। इसके लॉक्स होते हैं, आप उनको हल्का हल्का किसी जो चीज़ नोकदार हो लेकिन आगे से प्लान हो बिल्कुल, उससे आप पुशअप पीछे की तरफ पुशअप करके आप इसको कीबोर्ड को रिलीज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों हमने सी पैनल इसका उतार लिया है और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर में हमारे पास यहाँ पे हिंजेस के नीचे जो है ये इसका डीसी जैक है और डीसी जैक की ये एक मेन जो वायर है पॉजिटिव ये टूटी हुई है और ये डिसकनेक्ट है, तो इसी वजह से जब हम अडाप्टर लगाते हैं तो ये ऑन नहीं होता लैपटॉप और इसकी सप्लाई आगे नहीं जाती। दोस्तों हिंज का जो है वो स्क्रूज़ हैं, हम उनको रिमूव करेंगे। सबसे पहले दोनों साइड्स पे जो है वो दो दो तीन तीन स्क्रूज लगे होते हैं, इनको आप रिमूव करेंगे तो ये हिंज अपनी जगह से हिल जाएगा और आप आसानी से जो है वो डीसी जैक को निकाल कर कर सकते हैं। आप इसकी दोबारा से इसको रीसोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है बिल्कुल अलग नहीं हो रहा, ये जो इसका एलसीडी पैनल है, क्योंकि ये इसके स्क्रू जो है वहाँ पे जो है इसका इशू है, वो आपको बाद में जो इस डीसी जैक के बाद आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाया जाएगा, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि इसके दो पॉइंट हैं, इसका माइनस का और प्लस का, दो दो वायर्स इसकी डीसी जैक में आ रही हैं और दोनों ही जो है वो इसकी मेंस वायर है, दोनों ही आपने कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये हम इसको ट्विस्ट कर लेते हैं, ट्विस्ट करने का मतलब ये है कि आपकी वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपस में ये जुड़े ना। काविया की मदद से आपने जो इसकी प्लास्टिक शील्ड है उसको आपने उतार लेना ही, आप देख सकते हैं कि इसके अगले हिस्से पर बिल्कुल जो है वो ये केबल उतर गई है ऊपर से और ये हमने इसको काविया की मदद से जो है इसको सोल्डरिंग को जो है यहाँ पे लगाना है ताकि जो है वो दोबारा जैक में लगाने के लिए हमें आसानी हो। दोस्तों सोल्डरिंग वायर को जो है वो अच्छी तरह वायर के ऊपर आपने सही तरह इसको लगाना है ताकि जब आप जैक के ऊपर वायर्स को लगाएं तो आप का जो कनेक्शन है वो मज़बूत हो ताकि बाद में जो है किसी किस्म का इशू ना आए। दोस्तों दरमियान वाली जो पिन है जैक की वो आपकी प्लस है और जो साइड वाला इसका जो हाउसिंग है साइड वाली इसका जो कवर है वो जो आपका ग्राउंड में आ जाता है, मतलब आपका वो माइनस कहलाता है। उसे ये जैक हमने लगा दिया है। इस जैक को लगाने से पहले हमने एक टेप डबल टेप की मदद से या सिंपल टेप की मदद से हमने दोनों वायर्स को अलग कर लिया है ताकि जो आपस में ये शॉर्ट ना हो।
दोस्तों बेहतर सोल्यूशन इसका होता है आप जो है इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के इसी साइज़ की आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दस्तयाब ना होने की वजह से हमने टेप को इस जगह पे लगा दिया है ताकि ये वायर्स आपस में माइनस प्लस शॉर्ट ना हो। दोस्तों अभी हम इसके स्क्रूज़ को टाइट कर देते हैं। अब जो अगला मरला है वो ये स्क्रू का जो बोल्ट है, इसकी वजह से जो है ये हमारा इशू है और सी पैनल के अंदर जो है स्क्रू नहीं लगता, जिसकी वजह से केसिंग सही तरह बंद नहीं होती। तो वही आप देख सकते हैं कि जो है इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमने स्क्रूज़ टाइट कर दी हैं। अपने प्लास की मदद से या कोई और ऐसी चीज़ हो जिससे आसानी के साथ आप इसको पकड़ के और खोल सकें इसको, ये हमने खोल दिया है। ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। ये बाद में फिर हम इसकी फिटिंग का तरीका भी बताएंगे आपको कि कैसे इसको दोबारा से सी पैनल के अंदर प्लास्टिक बॉडी में लगाना है और कैसे इसकी जगह को मजबूत करना है ताकि दोबारा नट लगाएं तो ये उतरे ना या केसिंग खुले ना। दोस्तों पहले काव्ये की मदद से आपने इसको जो है प्लास्टिक बॉडी के अंदर हल्का सा फिट करना है ताकि बाद में जो है एलपी और थर्मापोर के ज़रिए जो इसको मज़ीद मज़बूत किया जा सके। दोस्तों एलपी आपने किसी ऐसी चीज़ से लगानी है कि बहुत ज़्यादा ना गिरे और जिस जगह पे आपने एलपी को लगाना है आसानी के साथ वहाँ पे आप हसबे ज़रूरत जो है वो लगा सकें। ये मैंने एक तिरछी जो है वो चीज़ को यूज़ किया है इसके लिए। आप देख सकते हैं कि ये मुनासिब मकदार में एलपी साइडों पे जो है वो गिर रही है और ज़्यादा जो एलपी की वजह से नुकसान हो सकता है तो वो इशू नहीं है। थोड़ी देर आपने वेट करना है और थर्मापोर के ज़रिए जो है इसको आपने मज़ीद मज़बूत करना है। ये एलफी की मदद से आपने इसको यहाँ पे इसको फैला के सही तरह आपने इसको अच्छी तरह से ताकि ये आपका जो स्क्रू लगाने की जगह है आपकी मज़बूत हो जाए ताकि बाद में आपको किसी किस्म का इशू ना हो। इसको सफाई करके आपने स्क्रू लगा के इसके ऊपर आपने टेस्ट करना है कि जो आप उन्हें लगाया है वो बिल्कुल ओके है। दोस्तों अब जैक को हमने जो है वो इसके सिलिकॉन लगा दी है और अब इसको सी पैनल को बंद कर दिया है। बंद करके हम इसको केसिंग को कंप्लीट बंद करेंगे। बैक कवर इसके सारे कंप्लीट करके हम एक दफ़ा इसको ऑन करके आपको चेक करवाएंगे कि जो हमने काम किया है वो हमारा काम बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है और जो हमारा फॉल्ट शुरू में आ रहा था वो बिल्कुल ओके है। अभी जैक आपने लगाने हैं, पावर का जैक है और टच पैड का जैक है, वो लगा के आपने इसकी सारी फिटिंग को कंप्लीट करना है ताकि आपका लैपटॉप मुकम्मल तौर पर वर्किंग में आ जाए। उसे ये कंप्लीट जैक सारे हमने लगा दिए हैं। अब हम कीबोर्ड को फिट करेंगे। कीबोर्ड लगाने के बाद हम आपको हल्की सी इसकी क्लीनिंग चेक करवाएंगे। सिंपल सी क्लीनिंग है इसकी, वो करनी है आपने ब्रश की मदद से। उसके बाद इसको हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करके आपको लास्ट इसका प्रीव्यू भी चेक करवाएंगे। दोस्तों ये कीबोर्ड इसका फिट हो गया है। ये हल्की सी हम ब्रश के ज़रिए इसकी क्लीनिंग करेंगे ताकि कुछ डस्ट वगैरह जो है वो इसकी स्क्रीन के ऊपर या कहीं पे भी है तो वो उतर जाए। दोस्तों अभी ये हम डीसी जैक इसके साथ लगा रहे हैं, अडाप्टर लगा रहे हैं। लगा के इसको पावर ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट पुश पे ही लैपटॉप हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है और जो इसके अंदर डीसी जैक का इशू था तो वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए करामत है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।